नज़ारों की खिड़की, और ये नज़ारे सरकारी स्कूल से ही प्रेरित हैं। तो कहाँ गए वो दिन जब मैं स्कूल लेट जाता था, चाहे कुछ ना पढ़ूँ पर पास तो हो जाता था। लगते थे सभी टीचर मौत के फरिश्ते, तो कभी लगते थे सभी टीचर मौत के फरिश्ते, तो कभी लगते थे जैसे हूँ अकल के खिसके। वो दीवारों से कूदना और घर जाते ही बहाने बनाना, वो जैसे भी दिन थे सारे गुजर गए, उन नज़ारों की खिड़की के नज़ारे बदल। जब आता नहीं था कुछ समझ तो मैं सर क्यों हिलाता था, अनजाने ही सही टीचर तो खुश हो जाता था। वो चुप रह कर भी शोर मचाना और सन्नाटे में भी कुछ गुनगुनाना, मेरा मन फिर भी ना माना, किया ना मैंने होमवर्क रोजाना। वो कक्षा में कागजी जहाज उड़ाना, वो छड़ी की मार से हाथों का घुसलाना, वो प्रार्थना के वक्त सहपाठियों से बतलाना, और कभी बैठे बैठे गुलजार हो जाना, और कभी डर के मारे परेशान हो जाना। उन शरारतों को साँच कर मैं रख ना पाया, और वक्त भी किया शायद कुछ यूं ही ज़ाया। फिर भी बताने को है बहुत कुछ, पर अब तो हम सुधर गए, वो नज़ारों की खिड़की के नज़ारे बदल गए। टेंथ क्लास में एडमिट कार्ड मिलते हैं, हमारे यहाँ उसे एंट्री पास बोलते थे। तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स के बाद 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो बच्चे पूरे मौज में होते हैं। तो हाँ, याद है मुझको वो दिन 10वीं के, हमें मिलने थे पासेस एंट्री के। मिलने से पहले जो कर दी तोड़फोड़, डेस्कों पे कूदे दिया पंखों को मरूं, बदले में मिली सिर्फ धमकी और नकारा होने के कुछ वजीफे, पर मन में अभी भी थे कुछ कर गुजरने के तरीके। अंत तक हमने हार न मानी हो जैसे पागल कहीं के, पर हार तो मिलनी ही थी, उस हार ने कह दिए कुछ होने कुछ तरीके। वो वजीफों का मिलना भी लगा मुझे बेकार, क्योंकि जितने भी थे मेरे यार वो सारे बिछड़ गए। वो नज़ारों की खिड़की के वो वजीफों का मिलना भी लगा मुझे बेकार, क्योंकि जितने भी थे मेरे यार वो सारे बिछड़ गए, वो नज़ारों की खिड़की के नज़ारे बदल गए। अब सुनाओ मैं तुम्हें आगे की बात। अब एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, 2 महीने की छुट्टी है, अब क्या करेंगे, पार्क में जाएंगे, लड़कियां देखेंगे। तो अब सुनाओ मैं तुम्हें आगे की बात। जो भी था जैसे भी था, मिला मुझे प्यार, कभी ढूंढा उसे अंधेरे की परछाइयों में, तो कभी सूरज से निकली अंगड़ाइयों में। और मिला जो मुझे उससे रहा मैं खुश, हाल जैसे कि क्लिंटन या बुश। और मिला मुझे वो पहली बार तो लगा मुझे कि यही है फरिश्ता जो लगे बेमिसाल। खैर अब नहीं खींचना चाहता मैं बाल की खाल, क्योंकि बेवक की बातों से होना क्या है, रात तो आनी है उसमें सोना क्या है, हर बात पे वे बात रोना क्या है, इस बात से भी आखिर जाहिर होना क्या है। वो रोना लगता उनका मुझे जैसे मैं फनकार, वो होना जैसे टूटे सपनों का साकार। अब तो नहीं होता इतना कुछ खास, सब यूं ही है बेसार। बातों बातों में न जाने कहाँ निकल गए, नज़ारों की गिड़की नज़ारे। माना मैंने तजुर्बे ना थे इतने अच्छे, पर तब तो अच्छा था जब हम थे बच्चे, खुश होकर धूम मचाते थे, बेशर्मी से बारिश में नंगे नहाते थे। बचपन मेरा नादानी में बीता, जो अच्छा था वो या तो भाई थे, बहन थी, दोस्त थे या माता पिता, कभी मेरे उन्होंने कानों को खींचा, तो कभी गंदे कपड़ों की तरह मारा पीटा और घसीटा। उन कानों को खिंचवाना मैं फिर से चाहता हूँ, और अब स्कूल लेट तो छोड़ो यार, स्कूल ही ना जाता हूँ। चाहता हूँ दिन में वो फिर से जीना हो, जैसे वो रस्सी की बोतल और उससे पानी हो पीना, वो बचपन के दिन, वो लड़कपन के दिन, न जाने कहाँ निकल गए, नज़ारों की खिड़की के नज़ारों की खिड़की। आखिर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि तजुर्बा बढ़ा तो ख्वाहिशें बदल दी, तजुर्बा बढ़ा तो ख्वाहिशें बदल दी, हालत देखी तो फरमाइशें बदल दी। तजुर्बा बढ़ा तो ख्वाहिशें बदल दी, हालत देखी तो फरमाइशें बदल दी, किस्मत देखी तो आजमाइशें बदल दी, और सपने टूटे तो उनकी पैदाइशें बदल दी। थैंक यू वेरी मच। आने की बात।